ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ कश्मीरी जो बरतानिया में रहते हैं उनके बहुत से सवाल आ रहे थे। वो बार बार ये चीज़ पूछ रहे थे कि पाकिस्तान कब यूके की रेड लिस्ट से निकल के एम्बर लिस्ट या ग्रीन लिस्ट में जाएगा, ताकि वो एक लंबे अरसे से जो इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान एम्बर लिस्ट में यूके की एम्बर लिस्ट में जाए या ग्रीन लिस्ट में जाए, ताकि वो बैक होम कश्मीर या पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ को विज़िट कर सकें। क्योंकि अगर आप रेड लिस्ट कंट्रीज़ में हैं, यूके की रेड लिस्ट कंट्रीज़ में होंगे, तो जब आप यूके को वापस आएंगे होम कंट्री से, तो आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ता है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको होटल में ले जाते हैं, वहाँ होटल क्वारंटाइन करवाते हैं, जिसकी टोटल कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 2500 पाउंड है इन दिनों, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत सी फैमिलीज़ जो कश्मीरी और पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ओवरसीज़ जहाँ यूके में रहते हैं, वो वापस होम कंट्री को विज़िट नहीं कर पाए। एक लंबे अरसे से वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स आई हैं लास्ट वीक से। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की काबीना है, स्पेशली पाकिस्तान के जो पीएम जो हैं इमरान खान, उन्होंने खुलकर इस चीज़ का इजहार किया, एक बोल्ड स्टेप लिया, अच्छे खासी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। यूके के पीएम और यूके के वज़ीर ख़ारजा जो हैं डोमिनिक राब और यूके के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उनसे कि पाकिस्तान के साथ ये फेयर डिसीजन नहीं किया गया। जो लास्ट रिव्यू किया गया है यूके की तरफ से, उसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट में ही रखा, और पाक और एशियन रीजन में दूसरे कंट्री स्पेशली लाइक इंडिया, जो कि पाकिस्तान से 10 टाइम्स वर्स है, अगर उसके कोरोना वायरस के स्टैटिस्टिक्स से चेक किए जाएं, एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और डेथ रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा लगाई जा चुकी है और डेथ रेशियो भी बहुत कम है, उसके बावजूद लास्ट रिव्यू में यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में ही रखा और इंडिया को एम्बर लिस्ट में डाला, जिसकी वजह से इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया और खुलकर अपनी बात रखी, एक अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, जो कि इससे पहले किसी भी हुकूमत ने इस तरह इतना बोल्ड स्टेप नहीं लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 सितंबर को यूके का एक चार्टर तैयारा पाकिस्तान में, जिसने लैंडिंग करनी थी, पाकिस्तान की काबीना की तरफ से इस लैंडिंग की मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी निगोशिएशन हुई पाकिस्तानी काबीना और बरतानिया की काबीना के दरमियान। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो 16 सितंबर को पाकिस्तान को यूके की एम्बर लिस्ट या ग्रीन लिस्ट में डाला जाएगा। 95% चांसेस हैं कि एम्बर लिस्ट में जाएगा। अगर 16 सितंबर को नहीं डाला गया पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट में, तो 26 सितंबर को मस्ट डाला जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी एक रूल और इंप्लीमेंट होने जा रहा है 1 अक्टूबर से पाकिस्तान और यूके की तरफ, दोनों की तरफ से, कि जो भी बशिंदे पाकिस्तान या यूके को विज़िट करेंगे, तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको दो डोज लगाई जा चुकी हैं। यूके से आप NHS से अगर आपने 2 डोज लगवाई हैं, ले सकते हैं सर्टिफिकेट, और पाकिस्तान से नादरा से आप ये हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।